मैं आपका होस्ट डॉक्टर सुशील कुमार, और आज मैं आपके साथ में हूँ प्रोफेसर सुभाष चंद्र लखोटिया जी के साथ में। तो पॉइंट जो रहेगा वो पॉइंट ये होगा कि जो रिसर्च एथिक्स है वो क्या है, रिसर्च एथिक्स के अंदर कितने कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड होंगे। तो ऐसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सर के साथ करूंगा, लेकिन बिफोर दैट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जो प्रोफेसर सुभाष चंद्र लखोटिया जी हैं उनके बारे में आपको, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और अकेडमिशियन हैं, रिसर्चर हैं, एडिटर्स हैं जर्नल्स के। तो फिर भी कुछ छोटा सा एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा अबाउट टू दी प्रोफेसर सुभाष चंद्र लखोटिया जी। तो प्रोफेसर सुभाष चंद्र लखोटिया इज ए लाइफ लॉन्ग डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट द जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी एंड करंटली आल्सो SERB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्टिंग्विश्ड फेलो। ही इज एंगेज इन टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया फॉर नियरली 55 ईयर्स विद सिग्निफिकेंट रिसर्च कंट्रीब्यूशन इन जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम, सेल स्ट्रेस रेस्पॉन्स, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs एंड आयुर्वेदिक बायोलॉजी यूजिंग द ड्रोसॉफिला मॉडल सिस्टम। इन एडिशन ही इज एक्टिव इन राइटिंग आर्टिकल्स, डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कशन मीटिंग्स ऑन इशूज कंसर्निंग रिसर्च एथिक्स, प्रीडेटरी जर्नल्स, पॉलिसीज फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च आउटपुट एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। प्रोफेसर लखोटिया लीडिंग बाई पर्सनल एग्जाम्पल इज ए स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल पब्लिश इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ही सर्व्ड IUBS एंड एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर एंड वाइस प्रेजिडेंट। प्रोफेसर लखोटिया हैज आल्सो बीन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। ही सर्व्ड एज एडिटर इन चीफ ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड इज ऑन एडिटोरियल बोर्ड ऑफ जर्नल ऑफ बायो साइंसेज, सेल स्ट्रेस एंड चेयरपर्सन्स, RNA बायोलॉजी, एनल्स ऑफ न्यूरोसाइंसेज, एनल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। हिज एकेडमिक कंट्रीब्यूशन हैव बीन रिकॉग्नाइज थ्रू इलेक्टेड फेलोशिप ऑफ ऑल द थ्री साइंसेज अकेडमिक्स इन इंडिया, सीनियर फेलोशिप ऑफ द सेल स्ट्रेस सोसाइटी इंटरनेशनल एंड मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द इंसा यंग साइंटिस्ट मेडल, द SS भटनागर प्राइज, UGC कैरियर अवार्ड, UGC नेशनल लेक्चर, UGC JC बोस मेडल, इंसा आयुर्वेदिक मेडल, IASTAM झंडू इंटरनेशनल ओरिजन इंडियन सिटीजन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च कंट्रीब्यूशन फॉर आयुर्वेदिक एंड और नेचुरल प्रोडक्ट। सो आज का ये जो इंट्रैक्शन है, आज का जो लाइव डिस्कशन है, एक्चुअली नेशनल इंटीग्रिटी आज हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर है, बट ये टाइम के साथ साथ में जो रिसर्च एथिक्स हैं, जो रिसर्च इंटीग्रिटी है, वो भी एक हम लोगों की ड्यूटी है कि उसके बारे में भी हम लोग बात करें। और जो हम लोगों की एक साइंटिफिक कम्युनिटी है रिलेटेड टू दी जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में वर्क करती है, चाहे वो आर्ट्स डिसिप्लिन है, चाहे वो कॉमर्स डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कोई भी डिसिप्लिन है, उसके अंदर जो रिसर्च एक्टिविटी है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके लिए देन आफ्टर वी अप्रोच सम मेथोडोलॉजी, कुछ टेक्निक हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एंड देन वी कलेक्ट द डाटा। और डाटा कलेक्शन डिपेंड करता है आपकी जो मेथोडोलॉजी है, जो टेक्निक्स हैं, राइट, एंड देन आफ्टर वी एनालाइसिस द रिजल्ट, एंड देन आफ्टर डिस्कशन अबाउट द डाटा, अबाउट द इंटरप्रिटेशन एंड एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज हैं एंड एग्जिस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं, राइट। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है हम लोगों की किसी भी रिसर्च में, और वो जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड है एक्चुअली वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता ही करता है। तो जो रिसर्च इंटीग्रिटी है एक्चुअली वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम लोग जो है कैरेक्टराइज करते हैं थ्रू द रिसर्च इंटीग्रिटी दैट डिपेंड्स ओनली द टू फैक्टर्स।
वहाँ जो टू फैक्टर्स हैं उसमें एक इंडिविजुअल जो रिसर्चर है एंड सेकंड जो उसका इंस्टीट्यूशंस है, वो दोनों वहाँ एक रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैं कहूँगा। इंडिविजुअल रिसर्चर तो करता ही करता है, साथ में जो उसका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ में वो एफिलिएट है वो भी एक रोल प्ले करता है, जहाँ उसकी आप एक एनवायरनमेंट समझिए, रिसर्च एनवायरनमेंट है वो भी मैटर करता है। तो ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट हैं मैं ट्राई करूंगा कि वो कवर हो जाएं। जो नॉर्मल रिसर्चर्स हैं जिनकी जो प्रॉब्लम है, जहां एक हम आज के टाइम में सबसे ज्यादा सुनते हैं कि प्लेगरिज्म का बड़ा एक हाईलाइट करते हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स है या फिर प्रीडेटरी जर्नल्स है, या एक्चुअली रिसर्च एथिक्स से सिस्टमेटिक वी विल ट्राई कि आप लोगों तक मैसेज पहुंच जाए और जो एक अवेयरनेस है अबाउट टू दी रिसर्च एथिक्स और एक जो सिस्टमेटिक वे है ऑफ दी रिसर्च। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम टॉकिंग टूडे विद प्रोफेसर एस सी लखोटिया जी, जिनका वाइड एक्सपीरियंस है इन टू दी टीचिंग, इन टू दी पब्लिकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, राइट। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो है मैं डायरेक्ट सर के साथ में इंटरेक्ट करूंगा एंड आई होप मैं बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लूंगा और डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में। सर मोस्ट वेलकम टू यू, और मुझको ये टाइम देने के लिए फॉर माय ऑडियंस और जनरल अवेयरनेस के लिए। सर ओवर टू यू। ओके डॉक्टर सुशील, ये सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मे बी इफ यू कैन स्टार्ट विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो इजी होगा, एक तात्पर्य बना रहेगा। मैं सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम सभी युवा वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को समझने की जरूरत है कि आज जो स्थिति हो रखी है उससे हम कैसे निपटें, कैसे हम जो शोध कार्य एक पवित्र कार्य है और एक मन से इच्छा से करने का कार्य कार्य है उसको हम सही ढंग से निभा पाए। तो सुशील कुछ प्रश्न करें तो मैं फिर उत्तर दूंगा स्पेसिफिक। सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली इंडिया के अंदर जो एक डिफरेंट डिफरेंट आप कैटेगरी कह लें या जैसे भी कह लें इंस्टीट्यूशंस की है, कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ तो फिर थोड़ा बी ग्रेड सी ग्रेड लाइक दैट। तो एक जो प्रॉब्लम पर्सनली आई हैव आल्सो ऑब्जर्व विद मैनी स्कॉलर्स कि एक सिस्टम है कि जहाँ एक सुपरवाइजर जो है ऑन मतलब अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, दे ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हेन दी रिसर्च स्कॉलर उनको कांटेक्ट करता है तो वो उस प्रॉब्लम को उनके साथ में जो है ना असाइन कर देते हैं, तो एक सिस्टम बनता है। लेकिन कुछ रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं कि उनके कुछ अपने इंटरेस्ट हैं और बिकॉज ऑफ देयर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनके इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं फॉर दी पीएचडी डिग्री। तो उस केस में क्या है कि जब उसका उधर सुपरवाइजर जिसको वो बनाना चाह रहा है तो वहाँ पे उसको आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो स्कॉलर को अप्रोच करते हैं कि आप ही प्रॉब्लम ढूंढ करके लाओ। तो जब स्टूडेंट प्रॉब्लम ढूंढ के लाते हैं, स्कॉलर प्रॉब्लम ढूंढ के लाते हैं, तो वो प्रॉब्लम उतनी जेन्युइन या उस तरीके से उसकी हम कहें कि कोई मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं होती है। एंड देन आफ्टर प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हियर कि उधर ये जो सुपरवाइजर है उसको भी आइडिया नहीं है, स्कॉलर को भी आइडिया नहीं, लेकिन दूसरी साइड एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एक अच्छे रिसर्चर हैं दे नो अबाउट टू दी प्रॉब्लम। तो ये जो पॉइंट है मेरा यही है कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं उनको जब हम डिफाइन करते हैं जब सुपरवाइजर की साइड से डिफाइन होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट की साइड से डिफाइन होते हैं तो उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्लियर नहीं होती है और वहाँ पे जो है स्टूडेंट सफर करता है, तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करिए। ये समस्या है, मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के बहुत जगह प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके कई सारे कारण हैं और बहुत इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो नियम बन गया है कि हमारे सभी शिक्षकों को शोध करना है और
रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं और साथ में पीएचडी गाइड करना, ये होना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों में दो कार्यक्रम होते हैं, एक होता है शिक्षा देना, नॉलेज का शेयर करना, दूसरा होता है नया नॉलेज प्रोड्यूस करना, रिसर्च से नई इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना। इसलिए रिसर्च तो एक अध्यापक के लिए आवश्यक अंग है। प्रॉब्लम लेकिन ये हो गई है कि हमने हमारे सब जगह सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं है जो कि होनी चाहिए। ये हमारे सरकारों की, हमारे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी शिक्षण संस्थाओं में समुचित व्यवस्थाएं हो, ताकि वहां के अध्यापक भी शिक्षा देने के साथ साथ शोध कार्यक्रम भी कर सके। ये तो ये एक प्रॉब्लम है कि सब जगह नहीं है, इसलिए अधिकांश शिक्षक चाहते हुए कर नहीं पाते। लेकिन दूसरी बात जो है, जो कि हमारे अध्यापकों को समझनी पड़ेगी, कि शोध कार्य एक मन से चालू होता है, न कि कंपल्शन से। इट्स ए पैशन, इसकी एक जुनून है कि हमको करना है, तब उसमें कैसे भी सुविधाएं हो नहीं हो कुछ न कुछ रास्ता निकल जाता है। आज अधिकांश हमारे अध्यापक शोध कार्य इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपने प्रमोशन के लिए, अपने कुछ और के लिए कुछ पेपर्स पब्लिश करने, और गलती यहीं से शुरू होती है। जी जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो छात्र शोध करने आते हैं वो खाली एक डिग्री हासिल करने के उद्देश्य से आते हैं, तो वहीं पर गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके मन में भी उतना ही पैशन होना चाहिए, उतनी उत्कंठा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम क्या जानना चाहते हैं, उनको किस विषय में रुचि है। अगर आज कोई भी छात्र मेरे पास आ जाए कि मैं आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जब तक उस छात्र का उस विषय में रुचि है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, उसके बारे में कुछ प्रश्न है कि नहीं है, तो ये किसी भी अध्यापक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो रिसर्च स्टूडेंट्स जो रिसर्च करने आते हैं, पीएचडी करने आते हैं, उनको पहले अपने अध्ययन से उनके मन में कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, और फिर उनको देखना चाहिए कि कौन अध्यापक उस विषय में ज्यादा जानकार है, या उसका इंटरेस्ट है, उसका शौक है, या उसमें रिसर्च कर रहा है। तो ये एक तो पहली बात है कि शोधकर्ता और उसके सुपरवाइजर की वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, कि दोनों को इंटरेस्ट कुछ कुछ कॉमन होने चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट होंगे तो वो अपने आप उनकी बातें बनेगी। अब उसके बाद मैं तो खुद यही प्रैक्टिस करता हूँ कि स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो एरिया, मेरी जो रिसर्च एरिया है, उसमें तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम अपने आप प्रश्न ढूंढो। मैं स्टूडेंट को प्रश्न नहीं बताना चाहता कि तुम ये करो ये करो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम एक शोधकर्ता को ये बताएं कि तुमको ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, तो वो तो टेक्निकल असिस्टेंट भी कर सकता है। बिल्कुल, एक रिसर्च स्टूडेंट है उसको अपने आप भी सोचने का होना चाहिए, लेकिन अध्यापक, सुपरवाइजर, मेंटर, मार्गदर्शक है, उसको बताना होता है कि हाँ तुम इस दिशा में ढूंढो, इस दिशा में ये नहीं होगा। लेकिन शोधकर्ता और उसके सुपरवाइजर, रिसर्च स्टूडेंट सुपरवाइजर का रिलेशनशिप एक क्लास के अध्यापकों का रिलेशनशिप नहीं है कि अध्यापक ने क्लास में पढ़ा दिया स्टूडेंट समझ के। ये एक म्यूचुअली इंटरैक्टिव रिलेशन है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद पर बने रहना है। कभी अध्यापक की गलती हो सकती है, कभी छात्र की समझ में गलती हो सकती है। तो जब तक वार्तालाप नहीं होगा, दोनों में डिस्कशन नहीं होगा विद एन ओपन माइंड, तो रिसर्च नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि जब एक रिसर्च स्टूडेंट रिसर्च करने आता है, तो एक थोड़ी एज में परिपक्वता आ जानी चाहिए कि उसकी अपनी समझ होनी चाहिए, कि और अध्यापक जो उसके सुपरवाइजर है उनकी भी समझ होनी चाहिए कि ये बच्चा एकदम बच्चा नहीं है, इसने भी कुछ काफी कुछ समझा है, सीखा है। तो हम एक दूसरे से वार्ता करके वी में चेंज आवर आइडियाज। तो ये तो रिसर्च का म्यूचुअल जो इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी है। अब जहां पे जो अध्यापक छोड़ देते हैं बच्चे को, तुम चलो अपना ढूंढो जैसे भी करो, वो गलत है, ये सही नहीं है। एकदम छोड़ देना, छूट देनी चाहिए, लेकिन मेंटरशिप, उनके सुपरविजन, उनको देखना कि वो भटक तो नहीं जा रहे इधर उधर करते हुए जी। और उसके लिए भी जो सुपरवाइजर है उनको खुद को अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि आज की तारीख में जिस विषय में छात्र से
शोध करवा रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी क्या वस्तु स्थिति है, किस तरह के प्रश्न उसमें आने चाहिए। तो ये जब तक अध्यापक नहीं करेंगे तो हम खाली डिग्री प्रोड्यूस करते जाएंगे, हमने इतने 5 डिग्री दे दी, पीएचडी दे दी, 20 पीएचडी दे दी, लेकिन उसका कोई वो सस्टेनेबल नहीं होगा, रिसर्च ना मकसद नहीं आएगा, यूज नहीं होगा जी। और ये आज हमारे देश में स्थिति काफी खराब है कि हम इतने पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन अधिकांश पीएचडी डिग्री जिनके पास हो गई है दे आर नॉट सुटेबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत गंभीर समस्या है हमारी और इसके लिए सभी को एक एक समझ के काम करना होगा। राइट सर, तो यहाँ जो एक कंक्लूजन भी मैं साथ में देता चलो छोटा छोटा सा कि आपका आपकी साइड से ये जो इंफॉर्मेशन आया है कि मेंटरशिप बहुत जरूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम, हाँ मेंटरशिप गाइडेंस कि वो जो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो सुपरवाइजर मस्ट बी दैट कैपेबल कैपेबल कि वो उसको जज कर पाए कि टाइम वेस्ट ना हो स्कॉलर का। बिल्कुल, सुपरवाइजर खुद को भी अध्ययन करना पड़ेगा उस विषय में, खाली ये स्टूडेंट को करना उसकी पीएचडी है वो नहीं है। सुपरवाइजर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है, जो मैंने बताया कि क्लास में हम मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, स्कूल के क्लास हो या फिर अध्यापक है बता के चले गए, वैसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूस डायलॉग होना होता है स्टूडेंट और छात्र और उसके सुपरवाइजर के बीच। अभी फिर मुझको जहां तक लगता है कि जो सेकंड क्वेश्चन है एक्चुअली ओरिजिन उसका कहीं ना कहीं इन्हीं अप्रोचेस के थ्रू है जहां जो स्कॉलर है वो किसी एक ऐसे सिस्टम के अंदर ट्रैप हो जाता है जहां कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है, प्रॉपर गाइडेंस या मेंटरशिप आप कहें कि स्टूडेंट को नहीं मिली, बट द रिक्वायरमेंट है पीएचडी की, रिसर्च पेपर की, आइदर आप चाहे कहें कि एकेडमिक प्रोसेस के अंदर हम कहें कि प्रमोशन के लिए या जॉब के लिए व्हाटएवर, तो फिर एक नई अप्रोच स्टार्ट हुई है कि शॉर्टकट के अंदर जो है लोग पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो शॉर्टकट क्या है कि जो फेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं दो जो, अभी मैं ये यहाँ कंट्राडिक्शन हो सकता है क्योंकि कुछ जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो जेन्युइन कॉन्फ्रेंसेज हैं और कुछ कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो कुछ ऐसे मतलब कहिए कि जो फेक हैं टोटली, जिस तरीके से प्रीडेटरी जर्नल चलते हैं तो उसी तरीके से प्रीडेटरी कॉन्फ्रेंसेज भी हैं दो जो बेसिकली एक किसी लोअर एच इंडेक्स के साथ में एसोसिएट करके आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं एंड टेक सम 5000 मोर देन 5000 रुपीज फ्रॉम द अदर्स। तो वो अवेयरनेस स्कॉलर को कैसे आए कि आप जब इस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश करेंगे तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी इन फ्यूचर? सर ये एक गंभीर समस्या हो गई, प्रीडेटरी जर्नल थे, प्रीडेटरी कॉन्फ्रेंसेस हो गई और अब प्रीडेटरी वेबिनार्स हो गई जी। रोज हर कोई वेबिनार कर रहा है, हर कोई उसके लिए अब कितने लोग पैसे देकर करवाते हैं क्योंकि एक हमारी जो व्यवस्था है कि कितना नंबर हुआ उस पर पॉइंट मिलेंगे, मेरा इस व्यवस्था से बहुत विरोध है। इस तरह का क्वांटिफिकेशन मैं तो मान के चलता हूँ कि 5 पेपर है वो 4 पेपर से बेटर है, किसी का 1 पेपर भी हो सकता है वो किसी का 100 पेपर से भी अच्छा हो सकता है, वो क्वालिटी देखनी चाहिए। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हाँ पीएचडी अगर किसी ने कोई कर रहा है तो उस पीएचडी के विषय की उसके शोध की सार्थकता है कि नहीं है, इसका एकमात्र हम जो जान सकते हैं तो उसके सार्थकता को वो पब्लिकेशन से या पेटेंट से या कुछ और से नई दिशा मिली कि नहीं मिली, तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि पब्लिकेशन होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस के बारे में मेरा एक अलग विचार है जी। मैं अभी हम लोगों ने तो रिकमेंड किया और ये काफी हो भी गया कि लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो पब्लिकेशन के लिए फंडिंग एजेंसी से पैसा मांगते हैं और फिर कुछ किसी तरह से कहीं से प्रिंट करवा देते हैं, तो अब ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिकेशन के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा मेरा कहना है कि ये पैसा व्यर्थ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो पब्लिकेशन तो हो गया, मैंने कह दिया मेरा एक पेपर हुआ, न उसको किसी ने पढ़ेगा न कोई पढ़ पाएगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कहीं पे सर्कुलेट नहीं होती, कोई खरीदता नहीं, खाली कहने को हो जाता है।
तो ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का तरीका ही बंद करना चाहिए, सिवाय उनके यहाँ पे की बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस हैं, और उनको किसी जर्नल के साथ एसोसिएट करके पब्लिश करना चाहिए ताकि उसके पेपर्स की जानकारी दुनिया में सब जगह मिल सके। एक तो पहली बात है। दूसरा कि हमने कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स निकाल ली, मेरे मुझे क्रेडिट मिल गई, मैं एडिटर बन गया, जो जर्नल पब्लिश हुआ उनको पेपर मिल गया, ये पूरी सिस्टम ही गलत है। इसको मैं तो कहीं से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करके हम अपना पब्लिकेशन काउंट कर ले। और फिर मुद्दा वहीं पे आता है कि जो रिसर्च करवा रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? खाली एक डिग्री पाने, उधर एक एक नंबर और जोड़ने के लिए, तब वो शोध बेमानी है। शोध है, मैं ये मान के चलता हूं कि मन की उत्कंठ इच्छा के कुछ जानना है, वो है तभी उस शोध के सार्थकता है। अगर नहीं है तो फिर उनका शोध करना, पीएचडी डिग्री पाना, किसी को पीएचडी डिग्री देना, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये गलत तरीका है। जी जी, तो एक्चुअली ये जो मुझको फील होता है, जो आपके टाइम में भी ऐसा ही रहा होगा कि जब कॉन्फ्रेंस या सिंपोजियम होते थे, जब कोई भी सोसाइटी, ऑथेंटिक सोसाइटीज उसको ऑर्गेनाइज करते थे, तो जो ड्यूरिंग पीएचडी वर्क होता था, हम उसको वहाँ पे जो जाके प्रेजेंट करते थे, और जो एक्सपर्ट थे, जो सीनियर थे, दे बेसिकली ऑब्जर्व दैट थिंग, और फिर उसमें से सवाल पूछते थे, और फिर उसको बताते थे कि नहीं ये ऐसे भी हो सकता है। और तो प्राइमरी स्टेज के जो रिसर्चर हैं, पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं, बेसिकली दे गेट सम आइडिया अबाउट देयर वर्क एंड देन बिफोर सबमिशन वो वहाँ उसको इम्प्रूव कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में अभी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या है कि आप पब्लिश वर्क को ही सिंपोजियम में जाके दोबारा फिर प्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम। तो आप आपका वही जो पॉइंट है वो उसको मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ कि जो ये कॉन्फ्रेंसिस का या सिंपोजियम का ट्रेडिशनल सिस्टम है, वी हैव टू एक्चुअली रिव्यू इट अगेन अगर इसको कंटिन्यू रखना है। तो एट द प्रेजेंट सिचुएशन वो एक तरीके से जो प्रोजेक्ट का आपका वहाँ प्रोसीडिंग में आप पेपर दिखा रहे हो, मनी जो इन वेस्ट हुआ वो हम ही लोगों का है, हम ही लोगों ने उसको दिया हुआ है, तो एक तरीके से वो भी एक हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स के अंदर है वो भी एक पार्ट है, तो वो भी उसको हार्म करता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा कि जो नेम चला प्रोसीडिंग्स, जैसे बड़े अच्छे अच्छे जर्नल है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी, प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ये प्रोसीडिंग्स क्यों कहलाई जाती थी जी? आज से 50-70 साल पहले सब जगह पीयर रिव्यू का सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल, नेचर में पीयर रिव्यू सिस्टम 1970s में शुरू हुआ है जी। उसके पहले क्या होता था कि छोटी सोसाइटी जो होती थी, एकेडमिक सोसाइटी बनना शुरू हुआ, और वहां पे उनकी मीटिंग्स में जो मेंबर्स होते थे वो अपने शोध जो उन्होंने किया उसको प्रेजेंट करते थे जी जी। और जो वहां पे सुनने वाले होते थे वो उस पर कमेंट करते थे, और ये फिर पब्लिश होता था, इसलिए उसको प्रोसीडिंग्स कहा जाता था। पहले के प्रोसीडिंग्स में बहुत जो है उनमें जैसे एक पेपर हुआ उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो भी साथ में छपे हुए हैं कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या उत्तर दिए गए। लेकिन धीरे धीरे जब जर्नल होने लगे, ज्यादा मात्रा में शोधकर्ता आ गए, सारी हर विषयों में उनके जर्नल्स हो गए, तो प्रोसीडिंग्स वाली व्यवस्था कमजोर होती गई। अभी भी जर्नल का नाम प्रोसीडिंग्स है, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स कहीं पे कोई मीटिंग में प्रेजेंटेड पेपर्स नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली कॉन्फ्रेंसेस वेयर, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग नया काम जो हमारा होता था वो प्रेजेंट करते थे, और श्रोताओं से, सीनियर अध्यापकों से, अपने साथ के सहकर्मियों से आइडियाज पाते थे कि हाँ ये ठीक है, इसका ऐसा हो रहा है, और वो हमारे रिसर्च पब्लिकेशन में हेल्प करता। लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है, अब लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं हम नया रिजल्ट इसलिए प्रेजेंट करेंगे कि कोई हमारी आइडिया को चुरा ले जी। ये भी अनफॉर्चुनेटली हो गया है, एक और अनएथिकल प्रैक्टिस
जिसको कि हम आइडिया प्लेगरिज्म कहते हैं, कि हमने किसी की टेक्स्ट नहीं कॉपी की, हमने उनकी आइडिया की कॉपी करके उसको अपना बता दिया, अपना काम कर दिया। जी, तो ये आइडिया प्लेगरिज्म में बहुत क्योंकि प्रॉब्लम होती जा रही है, तो लोग अब कॉन्फ्रेंस में आते हैं लेकिन वो नया रिजल्ट नहीं प्रेजेंट करते, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस सार्थक तक खत्म हो रही है। और ये एक खाली कहने को हो गया कि लोगों को मिलने का हो गया, मिलने जुड़ने का, लोगों को ट्रैवल करने का एक बहाना बनता जा रहा है, जो कि वास्तव में सही नहीं है। जी, असली कॉन्फ्रेंसेस का पर्पज होता है, ठीक है लोग मिलेंगे, घूमेंगे, आनंद भी करेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज भी उसमें होगा। हम लोग उत्सुक रहते थे कि अच्छा वहां जाएंगे, कुछ नया सुन के आएंगे, क्या नया सीखा, लेकिन अब अक्सर कॉन्फ्रेंस में जाके नया सीखने को नहीं मिलता, तो ये एक गलत स्थिति पैदा हो रही है। और उसी को फिर पब्लिश कर देना वो तो अनएथिकल है ही। तो अब एक्चुअली सभी क्वेश्चन जो है एक दूसरे के साथ में उसी तरीके से रिलेट हो जाते हैं, और उनका मुझको पर्सनली फील होता है कि जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे जाके टिकती है, जो उसका बेस है। तो वो बेस तो वही है कि प्रोसीजर नहीं पता है, मेथोडोलॉजी नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है। तो आज के सिस्टम में एक्चुअली डाइल्यूट हो चुका है रिसर्च पूरा का पूरा। आपके पास में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपके पास 5 या 10 ईयर्स बिफोर होगी, अगर नहीं भी है तो क्या करते हैं कि उसी प्रॉब्लम को आप डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो पैराफ्रेजिंग की अप्रोच करने लगे हैं एक ही प्रॉब्लम के अंदर। और ये हम लोग, आपने तो काफी ऑब्जर्व किया होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है, और आप नंबर ऑफ जो पब्लिकेशन इंक्रीज करने के लिए, तो रेलिवेंसी कहाँ रही रिसर्च की, कि अगर सपोज किया कोई रियल में ही रिसर्च करना चाह रहा है तो उसके पास में इतना सारा वो डाटा अभी सर्च करेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, ऑथेंटिसिटी को देखने के लिए मतलब बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है जेन्युइन रिसर्चर के लिए। तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं? ऐसा है कि ये कोई एक सिंपल सोल्यूशन उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि समस्या बहुत जटिल है। ये समस्या हमारी अत्यधिक आबादी से भी जुड़ी हुई है, जहां पे आबादी रिसोर्सेस से ज्यादा हो जाएगी वहां पे डिसऑर्डर फैलेगा, गलत प्रैक्टिसेस फैलेंगी, ये एक तो ये कारण है जी। दूसरा हिस्टोरिकल हमारा हो गया है कि हमारे देश में हम देखें तो पुराने समय में बहुत बड़े, मैं साइंस की बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे हिस्ट्री में लिटरेचर में इतने अच्छे साहित्यकार हुए थे, आज कहाँ है वैसे साहित्यकार, आज कहाँ है उस तरह के वैज्ञानिक जो कि थे, सी वी रमन थे, उसके बाद उस जमाने के और वैसे जैसी बोस से वैसे वैज्ञानिक हमारे पास आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि पूरा ढांचा बदल गया है। लेकिन उसके साथ हो गया है कि हमने रिसर्च को एक जो कि आवश्यक भी है कि सिस्टमेटिक वे में करवाना चाहें, इसका एक कुछ नियम बने, कुछ तरीका हो, वो भी जरूरी है, लेकिन इन बहुत ज्यादा बांधने से कोई चीज प्रगति कम हो जाती है, दोनों बातें। और उसके साथ में अब क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जॉब पाने के लिए गलती शुरू से होती है कि हमने स्कूल से ही सिस्टम को गलत कर रखा है। हर आदमी को, हर गांव से हर बच्चे को हम ये चाहते हैं कि ठीक है स्कूल पढ़े, वो तो अपना चाहिए, उसके बाद वो कॉलेज में पढ़े, बैचलर्स डिग्री प्राप्त करे, बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली तो मास्टर डिग्री करे, क्या आवश्यकता है, हर आदमी को कोई जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा कुछ हो रहा है, पेरेंट्स की इच्छा कुछ हो रहा है, समाज कुछ और चाहता है, तो बच्चा उसमें भूल जाता है, भटक जाता है, और उसकी जो वास्तविक कैपेसिटी है जो कि कर सकता है वो कुंद हो जाती है। तो सबसे पहले तो आवश्यकता ये है कि बच्चे के अभिभावक, बच्चे के अध्यापक ये जाने उस बच्चे की प्रतिभा किस विषय में है। पुश्तैनी काम भी हो सकता है, घर का काम भी हो सकता है, कुछ नया भी सिस्टम हो सकता है, तो वो जान के उसको उस हिसाब प्रोत्साहित करेंगे। और हम ये एसेंशियल नहीं करेंगे हर बच्चे को ग्रेजुएट होना ही होना है, कोई आवश्यकता नहीं है। वो आज की स्थिति में ये हो रहा है कि जितनी ऊंची डिग्री प्राप्त एक बच्चे ने कर ली, औसत बच्चे के लिए नौकरी पाना उतना ही कठिन होता है जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई कि सिलेक्शन भी कहते हैं। आज हम, मैं साइंस की बात करूं, हम इतने पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अधिकांश पीएचडी न इंडस्ट्री लेना चाहती है उनको, न हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं। क्यों?
कि जो ज्ञान उनमें होना चाहिए, जो प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, वो हमने नहीं दी है उनको। तो ये हमारे सिस्टम की गलती है, और उसके साथ में एक समाज का परिवेश बन गया कि ये नहीं कि इन प्रकार हम डिग्री प्राप्त कर लें और हम उसके बेसिस पर आगे बढ़े, ये इसका सोल्यूशन कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए नियम बनाने पड़ते हैं, और नियम बनाने के हम फिर उसका काट निकाल लेते हैं और गलत तरीके से चलते हैं। जैसे कि एक नियम बना कि पीएचडी सबमिट करने के 2 पब्लिकेशन होने चाहिए, क्यों बनाया ये नियम? ये नियम इस उद्देश्य से बनाया कि ताकि जो पीएचडी कर रहा है वो सार्थक हो, ये सोच के कि पब्लिश हो तभी होगा जब उसका कुछ पर्पस है, ये तो पब्लिश नहीं होगा। नियम बहुत अच्छा बना, लेकिन हुआ क्या, उसके दो बड़े गंभीर परिणाम हुए। एक तो प्रेडेटरी जर्नल पैदा हो गए, क्योंकि यहाँ पे उनको लगा कि बहुत लोग हैं जिनको कुछ पब्लिकेशन करने की आवश्यकता है, और जो प्रे था, जो प्रेडेटरी और प्रे रिलेशनशिप हुआ कि जो छात्र हैं या अध्यापक हैं उनको 2 पेपर चाहिए, अच्छे जर्नल प्रिंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पैसा दिया पेपर छप गया, कहने को होंगे हमारे 2 पेपर हो गए। ये सारा सिस्टम जो गलत ढंग से चालू हुआ उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। और सब कहां से शुरू करें, कहां पे इसको तोड़ना शुरू करें, ये बहुत आसान काम नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट हो चुका, इसको करना ही है। तो आपकी बात से जो निकल के आ रहा है वो इस तरीके से है कुछ की जो साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी है, तो वो साइंस जो है वो और जो इसकी रिलेशनशिप है विद द सोसाइटी, उसके कुछ मेजरमेंट्स हों, कुछ उसके पैरामीटर्स हों, और उनके थ्रू फिर वो उस तरीके से क्वालिटी की तरफ हम लोग उसको ऑब्जर्व करें। कुछ मेजरमेंट्स मतलब कुछ पैरामेंट उसके जो है ना, पैरामीटर्स जो है, तो साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके कुछ ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं पैरामीटर होंगे किसी पॉलिसी में कि अगर कोई पर्टिकुलर। हाँ जी जी, हम कोई पैरामीटर बनाएंगे वो ऐसा कि फूल प्रूफ पैरामीटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पैरामीटर बनाया कि एक जो सबसे बड़े गलत जिसको मैं मानता हूँ इम्पैक्ट फैक्टर ने पैरामीटर बना लिया कि तो जर्नल में अगर पेपर पब्लिश हुआ है तो आपके शोध क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा है, लेकिन हम भूल गए कि इंपैक्ट फैक्टर इज नॉट मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द जर्नल, इट्स ए मेजर कि उसके पेपर को किसने कितनी बार साइट किया। और जो बहुत तरह के धांधली होती है इसमें, बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जर्नल लोग अपने ऑथर्स को पेपर करते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारे हमारे जर्नल का पेपर साइट करिए तब आप कंसिडर करेंगे, ऐसा होता है। ये तो आपका जो इंडिकेशन आ रहा है वो पीयर रिव्यू सिस्टम की तरफ जा रहा है। पीयर रिव्यू सिस्टम भी अब अनफॉर्चुनेटली देखिए, वही मैंने बताया ना कि जो भी नियम बनाते हैं उसमें मनुष्य की भावना चेतना कितनी है, किस ढंग की है, उस पर असर पड़ता है। पीयर रिव्यू मैंने आया, हाँ ये मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का काम करता है वहां, मेरा परिचित है, मैंने कह दिया बहुत अच्छा है, मेरी किसी से बनती नहीं, मैं पीयर रिव्यू के बहाने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, एडिटर ने देखा नहीं, एडिटर ने भी समझा नहीं। तो पीयर रिव्यू भी हर चीज का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब पीयर रिव्यूअर्स भी उतनी ही ईमानदारी से उसके प्रिंसिपल्स है, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स पीयर रिव्यू के भी। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स, और उसने हर ऑथर के लिए, पीयर रिव्यूअर के लिए, एडिटर के लिए, पब्लिशर के लिए कुछ एथिकल कंडीशंस बना रखे हैं, प्रोवाइडेड वी फॉलो। लेकिन इसका लीगल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एथिक्स कैन नॉट बी लॉ, एथिक्स इज हमारा बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में कोई लॉ नहीं बन सकता, कुछ लॉ बन सकते हैं लेकिन हम एकदम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तो हर अध्यापक को, शोधकर्ता को अपने मन से सोचना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या नतीजा निकल रहा है। ऐसे समाज का ये कह, हमारा समाज पूछेगा कि आपके शोध के लिए पैसा तो समाज ही दे रहा है, बिल्कुल टैक्सपेयर के पैसे से गवर्नमेंट हमको कर रही है, इंडस्ट्री वाले कुछ देते हैं, हमारे देश में तो इंडस्ट्री का बहुत कम रोल है रिसर्च में, लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा होता है, जैसे पब्लिक मनी तो ऑब्वियसली पब्लिक विल वांट टू नो। और वहां पे भी मैं एक दूसरी थोड़े रिलेटेड बात करना चाहूंगा कि हमारा जो एक आज
आजकल एक ज्यादा हो गया कि आपके रिसर्च से नया प्रोडक्ट क्या है, अप्लाइड वैल्यू क्या है, ट्रांसलेशन वैल्यू क्या है, मैं समझता हूँ कि ये गलत एम्फेसिस हम कर रहे हैं। रिसर्च दो तरह की होती है, बेसिक, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, हम उसका उत्तर पाना चाह रहे हैं, उससे क्या होगा भविष्य में जाके वो अभी नहीं बता सकते, एक नेचुरल प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। ये क्यूरियोसिटी एक स्वाभाविक जिज्ञासा मनुष्य की होती है और उसके लिए एक रिसर्च करते हैं जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च ये हुई कि ये जो नॉलेज हमको मिला इसको हम किस तरह से प्रयोग करें कि हमें समाज के लिए कोई नया प्रोडक्ट, नई सुविधा या कोई कुछ और नई चीज मिले। तो आज खाली हम कहें कि हम खाली अप्लाइड रिसर्च करेंगे और बेसिक रिसर्च नहीं करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमको नया नॉलेज ही चाहिए। तो ये एक बैलेंस बना के रखना, अभी आजकल हर आदमी सो कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च कर रहा है और फिर वही झूठी बातें चालू हो रही है कि पुरानी बातों को नए ढंग से पेश करके कि हमने नया पेटेंट कर लिया, हमने नई इजाद कर लिया, मीडिया में रोज खबरें छपती रहती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में कोई नहीं उसको देखता कि वो हुआ कि नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं सकता कि हमने मीडिया को तो बताया कि हमने डिस्कवरी कर ली, लेकिन वो कितने सही है, कितने प्रैक्टिकल है, जब हम उसको लास्ट स्केल में करेंगे वो काम करेगी कि नहीं करेगी जी। ये चीजें बिना देखे जो हमारी एक आजकल सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक फैशन बन गई कि हर आदमी अपना नाम देखना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरे कितने लाइक्स मिले, मेरे कितना क्या हुआ। ये थोड़ा सा शोध की वर्क की एथिक्स के अनुरूप नहीं है। आपकी बातों से एक कंक्लूजन और भी मेरे माइंड में आ रहा है कि जो जब रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल बिहेवियर है या उसका जो एटीट्यूड है वो मैटर करता है कि अगर आप, हाँ, तो अगर आपके, आप खुद एक एथिकल पर्सन है तो ऑब्वियस है कि आपके जो आउटपुट होगी आपके वर्क के अंदर जो होगा वो एथिक्स होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आपका बिहेवियर या आपका जो शख्सियत इस टाइप की है कि उसमें वो एथिक्स से बहुत दूर है तो ऑब्वियस है कि रिसर्च के अंदर वो चीज इंक्लूड हो ही जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो एक तो पॉइंट ये लग रहा है और दूसरा पॉइंट, क्योंकि चीजें इतनी सारी है कि अगर अभी तो घोस्ट राइटर और ये पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म और इतनी सारी चीजें आ चुकी है कि अगर डिस्कस ऐसा सब करते रहे तो किस तरीके से इसको एक सिस्टमेटिक मतलब अवेयरनेस में लेके आए। सर मैं अभी जो है ना आपसे इसमें मैं एक खाली कहना चाहूंगा, हाँ, एक जो काम यूजीसी ने भी शुरू किया है वो आई होप उसको हम सही ढंग से फॉलो करेंगे कि हर शोध छात्र के लिए एथिक्स का कोर्स आवश्यक है जी, उसका एक सिलेबस में बनाया है। तो कम से कम ये है कि अवेयरनेस तो हम फैला रहे हैं और मैं ये थोड़ी सी बड़े बड़े खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि अभी मेरी परसों एक इंटरनेशनल मीटिंग में थी एथिक्स के बारे में, ये प्रेडेटरी जर्नल्स एक इंटरनेशनल कमेटी है उसके साथ में हम लोग मीटिंग की और जब मैंने बताया कि हमारे इंडिया में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हम अवेयरनेस कर रहे हैं, कैसे ये कोर्स कर रहे हैं, साइंस अकेडमीज ने किस तरह से गाइडलाइंस बनाई है, तो इट वॉज रियली अप्रिशिएटेड एंड दे एग्रीड कि इंडिया का मॉडल हम लोग फॉलो करना चाहेंगे। लेकिन अगर हम सही ढंग से अपने देश में उसको फॉलो करें तो हम कम से कम यंग टीचर्स, यंग स्टूडेंट्स को अवेयर कर दें कि क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जी। और किस तरह से हमको करना है ताकि देखिए शोध कार्यक्रम ऐसा है, शोध करना, एकेडमिक एक्टिविटी करना कि प्राइमरली स्वांतः सुखाय है जी। स्वांतः सुखाय स्वास्थ्य से नहीं मतलब है कि हमें हमारे मन में जिज्ञासा थी, हमने इसके बारे में कुछ जाना, हमें संतोष हुआ, लेकिन इसके साथ ही बहुजन हिताय भी इसमें शामिल हो जाता है कि अगर मैंने जाना, मैंने उसको पब्लिश किया, क्यों पब्लिश किया, एक तो ये कि मेरा नाम हुआ कि हाँ मैंने पब्लिश किया, दूसरा ये ताकि बाकी लोग भी जान सके हाँ ये एक नॉलेज का एडवांसमेंट हुआ। तो ये जब तक मकसद हम सही ढंग से रखेंगे और इसका पालन करेंगे तो इतने अनएथिकल बिहेवियर जो आज हम देख रहे हैं तो बहुत कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अनएथिकल बिहेवियर बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं, समय बंद नहीं हुआ, किसी काल में बंद नहीं हुआ, रहेगा, लेकिन कितना प्रोपोर्शन हमारा अनएथिकल है, कितना प्रोपोर्शन एथिकल है, सेंसिटाइज करना है समाज की प्रगति कितनी होगी जी। जी, तो आप
ये आपके मेरे क्वेश्चन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपने बहुत बड़ा एरिया जो है कवर कर लिया है। और मेरा पर्पज़ ये था कि जो रिसर्च एथिक्स है या जो इस तरीके की प्रैक्टिसेज हैं वो एक धीरे धीरे करके चाहे छोटे छोटे ग्रुप में हों वो लोगों को बार बार मिलती रहे, वो सेंसिटाइज होते रहे और वो सेंसिटिविटी एक्चुअली बढ़े उनकी उस पॉइंट को लेकर के कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन की साइड ना जाए। और जो यंग स्कॉलर है, हाँ बिल्कुल जो यंग स्कॉलर है वो एक्चुअली जो जब भी पीएचडी ज्वाइन करें तो वो ऑब्जेक्टिव अगर अपने आप से डिफाइन कर रहे हैं तो एक बार जज कर लें कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, वो रिजल्ट या फिर जो भी इंटरप्रिटेशन है लाइक दैट, तो वो उसके लिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैं एक खाली सर सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने एक किताब निकाली एथिक्स करके, जी और वो उनकी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, पूरी पीडीएफ फाइल फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डाउनलोड दैट बुक। उसमें चेष्टा की गई है कि सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एथिक्स के कवर किए जाएं। तो ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, और ये जो किया गया है कि हर शोध छात्र को एथिक्स का कोर्स करवाया जाए, अटेंड किया जाए। आई होप कि छात्र एथिकली उसको अटेंड करेंगे, नहीं कि खाली हाँ बस अटेंड कर लिया और हमारी अटेंडेंस मिल गई, हमने कोर्स कर लिया पूरा, वो अनएथिकल होगा। जी लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन सब एक्टिविटीज से हमारे जो युवा शोधकर्ता आ रहे हैं, युवा छात्र आ रहे हैं, युवा अध्यापक आ रहे हैं, वो जो गलत दिशा में हम लोग चल पड़े थे उसको रोक के सही दिशा में आ जाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। धीरे धीरे। थैंक यू सर, ये अभी आप जो है ना इतने फ्रूटफुल और ये थॉटफुल डिस्कशन रहा। और पैरामीटर्स एक्चुअली बहुत हैं डिस्कशन के, जो एक 1 आवर या 30 मिनट्स के अंदर पॉसिबल हो ही नहीं सकते। अभी बहुत सारे पॉइंट बात करने के बाद भी निकलते हैं, तो मैं चाहूँगा अभी जो है फिर हम लोग कभी ऐसे सा थोड़ा आपके साथ में करेंगे शेयर कर पाएँ। तो बिल्कुल। अभी मैं थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम दिया और कुछ पॉइंट्स जो है उनको हाईलाइट किया। एंड आई एम श्योर कि जो ऑडियंस होगी, जो यंग स्कॉलर होंगे, पीजी स्टूडेंट्स होंगे, दे विल बी अवेयर अबाउट टू दी रिसर्च नहीं एथिक्स। सर, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की वार्ताएं ज्यादा ज्यादा हो। मैं भी जब भी समय मिलेगा, जब भी आप कहेंगे, मैं आई बी हैप्पी। और अभी की ये करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, और थैंक यू, ये एक अच्छा अटेम्प्ट है, एंड थैंक आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सफलता फॉर योर मिले। धन्यवाद। टाइम।